भी आपके साथ मैं हूँ अलीशा जुनेजा। नशा तस्करी की समस्या दिन ब दिन चंडीगढ़ में बढ़ती जा रही है। आए दिन नए मामले देखने व सुनने को मिलते हैं। वहीं आज सुबह एक मामला सामने आया है सेक्टर 38 का, जिनका नाम काल्पनिक नाम राजू है। राजू ने ड्रग्स अपने एरिया में जो ड्रग्स का तस्करी चल रही है उसके चलते एक मुहिम शुरू की थी, जिससे कि वो अपने एरिया को नशा मुक्त बना सके, जिसके चलते आज सुबह ही उनके घर में पथराव हुआ, जिसके चलते हमारे संवाददाता ने उनसे बात की है। तो आइए दिखाते हैं। हेलो, नमस्कार सर, मैं अर्थ प्रकाश न्यूज पेपर से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी। सर, आपका एक मामला सामने आया है कि आप पर कुछ हमला किया गया है। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल किया गया। सर, हमला क्यों किया गया है जरा बताएंगे? सर, ये मैं आपको बताता हूँ, ये हमने हमारा एक एंटी ड्रग यूथ क्लब 38 के नाम से हमने एक क्लब बनाया है। हाँ जी, ये हमने सर 17 जून से कहा जा सकता है, जून से, 17 जून से सर हमने एक नशाखोरी बंद करो नामक मुहिम चलाई थी। आपको शायद पता होगा कि सेक्टर 38 ए की जो ईडब्ल्यूएस कॉलोनी है, यहाँ पर कुछ लोग हैं गिनती के 5-7 घर थे जो ये धंधा करते थे। ओके। और जिसकी वजह से यहाँ पे सारा दिन आउटर्स का आना जाना लगा रहता था, बहुत ज्यादा आउटर्स, जितनी मतलब यहाँ पे पंजाब नंबर, पीवी पैंट, हिमाचल नंबर, मतलब सारा दिन मतलब आउटर्स घूमते थे सेक्टर में। अच्छा जी। जो कि आम लोगों से यहाँ रेजिडेंट्स के साथ स्नैचिंग, चोरी चकारी की वारदातों को अंजाम देते थे। उस चीज से परेशान हो गए सर हमारे यूथ ने, सभी लड़कों ने मिलके, कम से कम हमारा 200-250 लड़कों का ग्रुप है। ठीक है जी। तो हमने ये मिलके मतलब एक ड्राइव चलाई, 17 तारीख को हमने इसका मतलब वो किया था, उद्घाटन किया था इसका हमने, जिसमें अपने वार्ड काउंसिलर श्री अरुण सूद जी और लोकल रेजिडेंट जितने भी हैं सारे, मतलब ये लड़के अपने जितने भी हैं, सबने SHO को बुला के मीटिंग की थी। हाँ जी। जिसमें हमने सारे मतलब घटनाक्रम की जानकारी उनको दी। अच्छा जी। तो उन्होंने हमें श्योर किया कि चलो कोई बात नहीं, हम इसको मतलब यहाँ से मिलके हम इसको खत्म कर देंगे। तो उस मुहिम के बाद कोई फर्क पड़ा आपके उस इलाके में? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उन लोगों का थैंक्स करता हूँ जो ये लोग ये धंधा कर रहे हैं, उन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया। 90% सर आज की डेट में हमारी कॉलोनी से ये नशे का कारोबार बंद हो चुका है। 90%। हाँ जी बिल्कुल सर, इसका आप सर्वे भी करवा सकते हैं, आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। हाँ जी। कोई है 5-10% जो गिने चुने लोग हैं, कोई एक आध लोग होगा जो हट नहीं रहे हैं या कर रहे हैं, वो भी लोग अब मतलब ऐसे ही अगर हमारा ये, तो ये हमला तो कैसे हुआ सर आपके घर पे, मतलब किस तरह से हमला किया गया है? सर देखो, हमारे लड़कों ने पीछे मतलब ये 17 तारीख से लेके अब तक जितने आउटर्स आ रहे थे उनसे पूछताछ की। हाँ जी। उनको रोका। हाँ जी। उनको कुछ को तो उनके पेरेंट्स को हैंडओवर किया हमने। उनको बताया, सारी जानकारी दी, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ पे क्या लेने आते हैं। उन्होंने क्लियर बताया कि हम यहाँ से चिट्टा या कोई गांजा ऐसी चीजें लेने आते हैं। उन्होंने सारे हमारे पास वीडियो पड़ी है, रिकॉर्डिंग पड़ी है सारी। अच्छा जी। अच्छा जी। ठीक है। उनके पेरेंट्स को भी हमने बुलाया। ठीक है। उनके कुछ को उनके पेरेंट्स को हैंड ओवर किया अपने SHO मनिंदर जी हैं, उन्होंने भी उन बच्चों की काउंसलिंग की, उनको मतलब उन्होंने भी मतलब उनको सेंटर में भेजा, उनके कोई होगा कोई उन्होंने कोई सेंटर होगा कुछ। अच्छा, तो मतलब पुलिस ने इस मामले में आपका सपोर्ट किया है? सर किया है, देखो हम क्यों कहें ऐसे, जितना हो सका किया है सर, है ना? अच्छा जी। और हमने चंडीगढ़ पुलिस के साथ ही मिलके हमने ये ड्राइव चलाई थी। ठीक है, चलो ठीक है। अब कुछ बिजी कह लो, एक बात मर्डर हुआ शायद यहाँ कोई 40 सेक्टर में मर्डर हुआ, उस चक्कर में पुलिस बिजी हुई हुई है या नहीं आ पा रही थी। ठीक है ना, उस चीज को हम नहीं, मैं नहीं उस चीज को सर मानता हूँ। ठीक है ना। ठीक है। अब ये जो ये मेरा ये है कि कुछ इसमें जो 5% या 10% लोग हैं, जो लोग अभी ये धंधा कर रहे हैं, उनमें से कोई हो सकता है, कोई एक आध लड़का है जो कि रात में वीडियो में नजर आ रहा है जो पत्थरबाजी हो रही है। हाँ जी। हाँ जी। उसमें 3 लोग तो एक्टिवा पर थे। अच्छा जी। एक लड़का मतलब उसमें एक्टिवा के साथ में ही खड़ा हुआ है, मेरे घर से कोई 15 फुट की दूरी पे है। तो आप उनमें से किसी की पहचान कर पाए हो कि वो कौन लड़के हैं, कहाँ के हैं? सर देखो, मेरे को अभी तक ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो देखो सर इसमें ना प्रशासन की लापरवाही बहुत बड़ी है। अच्छा जी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लगा लो या एडमिनिस्ट्रेशन लगा लो। ठीक है सर। हम सर 17 तारीख से हमने ये मुहिम चलाई हुई है सर। हाँ जी। मैंने ये लाइटों के लिए कम से कम नहीं तो 500 फोन कर लिए हैं, इनके लोकल JE हैं जो, इवन कि कल मैंने चीफ इंजीनियर अपना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है मनोज बंसल है। हाँ जी।
और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के चीफ इंजीनियर है मिस्टर मुकेश अनाना, हाँ जी, उनको भी मैंने मैसेज डाला है कि हमारे सेक्टर में डार्क पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे भी लाइट नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने ये मुहिम चलाई हुई है, हम प्लीज यहाँ पे ये लाइटें ठीक करवाई जाए, यहाँ पे लाइटों का क्या जवाब था? सर उनका कोई जवाब नहीं है, वो सिर्फ घुमाते हैं, जेई को फोन करो वो कहता है नहीं ये एमसी वाले करेंगे, नहीं एमसी वाले को फोन करो वो कहेंगे एडमिन को, एडमिन वालों को बोलो। अच्छा जी, मतलब वो काम नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे, वो कह जा रहे हैं इसका काम है या इसका काम है। उन्हीं की लापरवाही है। कल ही मेरी, मैं आपको अगर मैं आपको मैसेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की है चीफ इंजीनियर को, दोनों को, कि हमारा ये मतलब इसको करवाया जाए। उनकी लापरवाही की वजह से वो बंदे पहचान में नहीं आए, अगर मेरे घर के पास लाइट जल रही होती तो वो कैमरे में क्लियर आ जाते और वो आज पकड़ में आ जाते। ठीक है सर, ठीक है। प्रशासन की सर सबसे बड़ी, हमने 17 तारीख से ये ड्राइव चलाई हुई है, मैंने एमपी को फोन कर लिया, मैंने सबको फोन किया कि हमें कोई सपोर्ट करो, किसी की हमें सर कोई सपोर्ट नहीं मिली है, कोई आला अधिकारी कोई सीनियर ऑफिसर हमसे आके नहीं मिला एक बार भी। तो घटना के बाद आपने पुलिस को जब इन्फॉर्म किया तो पुलिस की क्या हरकत रही उसके बाद? पुलिस आए हैं सर, सुबह रात भी आई है पुलिस, सारी फोटोग्राफी हुई है, एसएचओ सुबह आके गए 8 बजे घर से आके गए एसएचओ, जी मैडम नेहा यादव है उनका फोन आया मेरे को, उन्होंने मतलब मेरे को काफी। तो उन हमलावरों की तरफ से आपको कोई कभी धमकी मिली हो या कभी आपको ऐसे कहीं रोका गया हो या वार किया हो? नो, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये पहली बार आप पर जो हमला किया गया? ये पहली बार हुआ। हाँ, लेकिन इस चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए, आगे भी फ्यूचर में होने के चांसेस है, तो आपने थाने में रिपोर्ट कराई है एफआईआर? हाँ बिल्कुल सर, मैंने बीए कम्प्लेन दी है थाने में। ठीक है जी। तो लेकिन आपकी तरफ से ये मैसेज भी आ रहा है कि हम शाम को सेक्टर 39 के थाने का घेराव करेंगे, वो किस चीज को लेकर घेराव किया जाए? अरे नहीं सर, हमने कोई घेराव नहीं करना है, हमने एक पब्लिक मीटिंग रखी हुई है, मीटिंग में हम सब लोगों ने मिलकर इसकी इस चीज के ऊपर विचार करना है कि हम इसको कैसे मतलब इस चीज को हम कंटिन्यू कर सकते हैं, या ये जो घटना हुई है इसमें हम कैसे इसका मतलब इसका हल कर सकते हैं इस चीज का, है ना? हाँ जी, उसमें ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, कोई बात। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।